हेलो स्टूडेंट्स। हाँ भाई बेटा, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको पता है कि लाइट के दो नेचर हैं, एक पार्टिकल और एक वेव। ज़्यादा तो आप पढ़ोगे किसमें, यूनिट नंबर 6 में, पर अभी तक आपको इतनी बेसिक आइडिया हो गया कि लाइट के पास कितने नेचर हैं, एक पार्टिकल और एक क्या है वेव। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने किस नेचर को माना है, पार्टिकल नेचर को माना है। समझ आई बात आपको, ठीक है। अब पार्टिकल नेचर माना क्यों गया उसको मैं बताना चाहता हूँ। देखो आपको पता है कि लाइट के पास एक एनर्जी है, डेट विल बी इक्वल टू एच न्यू एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये किसने बताया, आइंस्टीन भाई साहब ने बताया। और सून ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि लाइट के पास एक मोमेंटम भी है और वो मोमेंटम कितना है, पी इज इक्वल टू ई बाय सी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूं एच सी बाय लैम्डा और डिवाइड बाय सी करूं तो क्या बचेगा, एच बाय लैम्डा बचेगा, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से ये कैसे लिखा गया है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ध्यान से देखो, के जी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर, है ना। और जो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इस मीटर से तो ये मीटर कट जाएगा, ये सेकंड ऊपर जाएगा पल्टी मारकर और एक सेकंड से सेकंड को काट देगा। अल्टीमेटली आपके पास बचा गया के जी मीटर पर सेकंड, ठीक है। मोमेंटम होता क्या है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। देखो इस मास के कोरोस्पोंडिंग ये केजी रहा और वेलोसिटी के कोरोस्पोंडिंग क्या रहा, मीटर पर सेकंड रहा। तो अल्टीमेटली ये किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी का होना और मोमेंटम का होना एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वो पार्टिकल है। याद करो क्लास 11th को, अगर ये एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो इसकी एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वेयर। एनर्जी है उसके पास और उसके पास मोमेंटम भी है, तो इस ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, पार्टिकल बोला जा सकता है या पार्टिकल के जैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि लाइट भी कैसे बिहेव कर रही है, एक पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रही है। इनिशियली लाइट को क्या बोला था, क्वांटा बोला गया था, लेकिन जैसे ही आपने इस मोमेंटम को भी बता दिया, लाइट के पास मोमेंटम है, तो उसको फिर क्या बोला गया, फोटोन बोला गया। फोटोन का मतलब होता है पार्टिकल नेचर। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। क्यों उसको पार्टिकल नेचर बोला गया, क्योंकि उसके पास क्या है, एक एनर्जी भी है और एक क्या है, मोमेंटम भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। आपने देखा कि जब किसी भी लाइट को किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर गिराया जाए, क्या किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट किया जाए, इंट्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन विद द मैटर जब होता है, तो रेडिएशन कैसे बिहेव करती है, एक पार्टिकल के जैसे, एक फोटोन के जैसे, क्लियर है। और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच सी बाय लैम्डा, और उसका मोमेंटम कितना होता है, एच बाय लैम्डा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दूँ या लैम्डा को फिक्स कर दूँ, ठीक है, या तो फ्रीक्वेंसी फिक्स कीजिए या लैम्डा फिक्स कीजिए, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। क्लियर है बात। मतलब कहने का ये है, अगर मान लो ये प्लेट है और ये ग्रीन लाइट का सोर्स है, तो ग्रीन लाइट को आप यहाँ से फेंकें चाहे यहाँ से फेंकें, इस मोमेंट इस फोटोन की और इस फोटोन की क्या होगी, एनर्जी सेम होगी, क्योंकि भैया इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। ग्रीन लाइट के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो अल्टीमेटली ये बात मैं बताना चाहता हूँ, फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कि आप कहाँ से इंटेंसिटी क्या है, देखो इसकी इंटेंसिटी हाई है और इसकी इंटेंसिटी क्या है, लो है, परंतु इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या है, सेम। क्लियर है बात आपको, एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसी बात को नेक्स्ट पॉइंट में मैं प्रूफ करूँगा, इफ़ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, इंक्रीज किया मैंने आगे ना, इट ओनली इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन द सरफेस। भाई यहाँ से फोटोन्स ज़्यादा फॉल करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से थोड़े से कम करेंगे, परंतु इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। हर फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। डेट इज़ फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। अल्टीमेटली फोटोन क्या है, लाइट है, और लाइट किससे मूव करती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड से। तो हर फोटोन भी स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसको रिपीट करता हूँ ताकि नेक्स्ट पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मान लो एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, और यहाँ से आपने रेड लाइट को डाला, ठीक है, तो आपको क्या दिखता है, ये कोई रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट कुछ इस तरीके से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, और फिर से ये
अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाती है, हाँ के ना। आप एक बात बताओ, अगर आपने यहाँ पर लाइट डाली तो यहाँ पर भी आपको लाल लाइट दिखती है कि नहीं दिखती, और यहाँ पर भी आपको क्या दिखती है, लाल लाइट दिखती है। तो अल्टीमेटली कलर ऑफ द लाइट चेंज नहीं होता है, और कलर किससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है, फ्रिक्वेंसी से, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो जब लाइट मूव करती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में तो कलर चेंज नहीं होता है लाइट का, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी लाइट की, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज वाइल ट्रेवलिंग थ्रू द डिफरेंट मीडियम, ठीक है। देखो ये अलग मीडियम था, ये अलग मीडियम था, पर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखो ये बात कि अगर यहाँ पर ये स्लैब नहीं होती तो लाइट कुछ ऐसे जाती, तो आप बताओ कि डिस्टेंस ट्रैवल इन वन ज़्यादा कि डिस्टेंस ट्रैवल इन टू ज़्यादा, ये दूरी ज़्यादा दिख रही है कि ये दूरी ज़्यादा दिख रही है। तो आप बोलेंगे कि सर वन की ज़्यादा है, आंखें ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेम टाइम में इस मीडियम में लाइट ने कम दूरी तय की है, सेम टाइम में इस मीडियम में लाइट ने दूरी कम तय की है, तो अल्टीमेटली इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या हो गई है, घट गई है। भाई आप सेम टाइम में कम दूरी तय कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपकी वेलोसिटी ही घटेगी बेटा, और वेलोसिटी किसके बराबर होती है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी तो बदल नहीं सकती। आप ये भी आपने देखा कलर सेम है, तो अल्टीमेटली अगर वेलोसिटी घटी है तो लैम्डा क्या होगा, घटा होगा, ठीक है। तो जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो चेंज कौन होता है, लैम्डा चेंज होता है फोटोन का, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन डज नॉट चेंज, क्लियर है बात। वेलोसिटी को तो अपने आप चेंज होना पड़ेगा क्योंकि लैम्डा क्या हो गया है, चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ यूनिट नंबर 3 में। ये क्या था, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। देखिए ये वो मास है जब बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है कि नहीं बात आपको, और ये वो मास है जब बॉडी किसी वेलोसिटी v से चल रही है, ठीक है, क्लियर हो रही है कि नहीं वरी बात आपको। तो m नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, क्लियर है बात। क्योंकि फोटोन तो खुद किसे चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और एक आ जाएगा, एक में से घटेगा तो जीरो। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फोटोन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता, तो ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होता और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होता है, क्लियर है बात आपको, इसमें कोई डाउट क्वेश्चन है, ठीक है। और फोटोन जब किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो वो कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, ये बात भी आपको नोट रखनी है। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको एक नई प्रॉपर्टी या फिर एक कॉन्सेप्ट, हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि एक सोर्स है 25 वोल्ट का, ठीक है, 25 वोल्ट का सोर्स है, और ये एक लाइट को एमिट कर रहा है, ठीक है कि नहीं बात आपको, और जिसकी वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स को ये इमिट कर रहा है, फाइंड्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक सोर्स है 25 वोल्ट का और जो एक पर्टिकुलर लाइट को इमिट कर रहा है, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रम, तो आपको फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकंड, ठीक है। देखो बेटा अगर एक फोटोन ये इमिट करता तो उसकी एनर्जी कितनी होती, एस सी बाय लैम्डा, है ना। तो लैम्डा आपको मिल गया, सी आपको पता है और एच भी आपको पता है ना, ये आपकी फिक्स वैल्यूज होती हैं एच और सी की। तो एक पर्टिकुलर की एनर्जी इतनी है, ठीक है कि नहीं बात आपको। लेट अगर ये एन कर रहा है तो एन फोटोन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एस सी बाय लैम्डा, ठीक है कि नहीं बात आपको। और इसने पूछा है कि फाइंड दी फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड, तो लेट अगर मैं इसको सेकंड से डिवाइड कर दूं, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और अगर जब मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी ऑफ एन फोटोन्स, एंड अगर उसको सेकंड से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी पर सेकंड, विच इज नथिंग इक्वल टू द पावर ऑफ द सोर्स, क्लियर है कि नहीं बात आपको, विच इज इक्वल टू द पावर ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो पावर आपको पता है, ये चीज़ आपको निकालनी है, एच सी बाय लैम्डा आप पुट कर निकाल लेंगे, ठीक है, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, समझ आई बात आपको। भाई आप क्या करें, जिसकी इसकी जितनी पावर है उतनी ही तो एनर्जी के फोटोन्स क्या होंगे, एमिटेड होंगे। तो आप उस एनर्जी को डेट विल बी एन से मल्टीप्लाई करके सेकेंड से डिवाइड कर लें और उसको किसके बराबर रख दें, पावर के बराबर रख दें। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है।